इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी ने क्या देखा था सुंदरकांड में? मंदिर मंदिर प्रत करी सोधा, देखे जहां तह अगणित योधा, गजबुत सदानन मंदिर माही अति विचित्र दै। अरे कही जात सुनाही, शयन किए देखा कबते ही मंदिर मोहन देख। आगे भवन एक मोन देख हरि मंदिर हरि मंदिर कैसा रामा युद्ध अंकित गृह शोभा आयुध तुलसी के वृंद आयुध अंकित भगत जी का घर भजन में दिखना चाहिए। हमारे ड्राइंग में कोई आ जाए तो लगे हम भगत के घर आ गए हो। हमसे कोई मिल ले तो लगे हम भगत से मिल लिए। क्यों? भगत भगत मिले तो भगवत चर्चा हो। और क्या शबरी अम्बा नित्य तैयारी करती है। विश्वास, गुरु परमातंग ऋषि ने कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरे राम आपसे मिलने इसी कुटिया में आएंगे। विश्वास, विश्वास की दृढ़ता। भगवान क्या है? विश्वास ही तो परमात्मा। मैं बार बार एक बात आपसे निवेदन करता हूं, विश्वास ही ने आपको घरवा से बेचैन करके कथवा में पहुंचाता है जी। नहीं तो ये बताइए, गर्मी में इतना धक्का धुक्की खा के कौन आएगा? हम आप ये मानते हैं कि जिनकी कथा हम आप गा सुन रहे हैं यही हमारे परमात्मा हैं, और इनकी कथा जितना गाएंगे सुनेंगे इनमें हमारा उतना ही प्रेम दृढ़ होगा। बस इसलिए तो राम उपासक जे जग माही, उनको इससे अधिक प्रिय कुछ नहीं, यही अतिशय प्रिय है। शबरी अम्बा ने सदगुरु भगवान के द्वारा बताए गए एक बात पर भगवान आएंगे, ये करना, आसन लगाना, नित्य फल लाना, पुष्प बिखेरना, भगवान की प्रतीक्षा करना, राम आएंगे राम आएंगे। इस पर हम लोगों के कई पद हैं। एक और है, थोड़ा सा सुनाता हूँ आप, चारों थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ। देखिए, मेरे पूज्य पिताजी इसको गाया करते थे। अरे राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भैले शबरी जी, राम गुण गाय के मगन भैले शबरी जी, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के हो, राम गुण गाय के मगन भैले शबरी जी, राम गुण गाय के मगन भैले शबरी जी, मगन भैले शबरी जी, मगन भैले शबरी जी। लंबी लंबी कसिया सबरी डगर बहोरे, लंबी लंबी कसिया सबरी डगर बहोरे, यही रहिया आई है प्रभु जी कटवा बचाई के, यही रहिया आई है प्रभु जी
कटवा बचाई के मगन भइल सबरी जी राम मगन भइल सबरी जी राम गुनी गाई के मगन भइल सबरी जी राम गुनी गाई मगन भइल सबरी जी राम पंजाब वाले भगत गाते हैं अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम रामा रटते रटते बीतर उमरिया रामा प्रभु बीतर उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे दिल निकी आपको जौन मन करे तौन आप सुनाए दियो भगवान का हाँ नहीं तो नई वाली प्रेमामृत में अब भगवान के झूलन के पद भी आ गए हैं हाँ छठ छाई ऋतु आई हरि ऋतु पव से चली झूले सुन के ही डोला राम जनक लली झूले सुने के ही डोला राम जनक लली। मैं संस्करण आने के पहले चिंतन बहुत करता हूँ। अब प्यारे जो भगत लोग हैं उनको एक सुविधा हो गई, जो कवित्त थे वो पिछले पृष्ठों में एक साथ आ गई है, हमारे साथियों को भी आराम हो गया, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसमें सारे कवित्त आ गए हैं, कुछ आरतियाँ बढ़ाई गई हैं, कुछ घटाई गई हैं, कुछ मेरे सुपुत्र राजन जो भजन गाते हैं वो भी हमने 10-12 इसमें सम्मिलित कराए हैं, क्योंकि उनको भगत लोग परेशान बहुत करे थे हमारे महाराज का भजन नहीं मिलता है। इसमें तोहरे महाराज का भी है और हमारे महाराज का भी है। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, है ना। और श्री अयोध्या धाम में जो श्री रामार्चन मंदिर बन रहा है उसकी भी झांकी है, और हमारे श्री राम मल्लभा कुंज सरकार भी बैठ गए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर भाव बना है। सुपुत्र ने बड़ा मेहनत किया है, इस पर आपको ये भाव देगा। भागवतों के लिए भक्तों के लिए पाथेय है, 250 के आसपास पद हैं, कथाकारों के लिए तो वरदान है। तो भगवान माँ के आश्रम आ गए, आइए थोड़ी झांकी दर्शन करें। देखिए भगवान आए तो शबरी माँ भगवान को देखकर विह्वल हो गई, और जब जीवन में व्यवहार में विह्वलता आ जाए तो कर्म रुक जाते हैं। अतिशय प्रसन्नता में और अतिशय दुख की अवस्था में शरीर की गति रुक जाती है। जैसे जब हम लोग कथा करते हैं ना
तो घड़ी की गति रुक जाती है। कई बार तो मन करता है कि इसको आधा घंटा पीछे कर दें, फिर आपसे डर से नहीं करता हूं। पीछे कर देंगे तो देर तक आपको बैठना पड़ेगा, है ना, जाना तो सबको वही है। तो भगवान कहाँ आए? देखिए, आप कहेंगे भगवान हमारे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? अरे भगवान आएंगे यार, आने की योजना बनाएंगे तब ना आएंगे। जो जो भगवान के आने की योजना बनाएगा उसके घर तो भगवान आए ही समझो, अवश्य आएंगे। अच्छा ही बताइए, जब हम माला पहनने जा सकते हैं, तोता पढ़ाने पर जा सकते हैं, चंदन लगवाने जा सकते हैं, चावल खाने बुला सकते हैं, तो भगवान किसके यहां नहीं जा सकते हैं? कोई बुलाना नहीं चाहता है तो भगवानों भी बड़े आनंद में रहते हैं, लेकिन जो बुलाता है उसके यहां अवश्य जाते हैं। कहां नहीं गए? सद्दन की दुकान पे नहीं गए? कहां वो गए थे भात भरने जूनागढ़ में? किसके यहां गए थे? नरहरि नरसिंह मेहता जी के यहां गए थे। गवाही देने नहीं चले गए साक्षी गोपाल जी? गए थे। अच्छा तो ये बताइए, सब जगह गए थे तो हमारे यहां क्यों नहीं आएंगे? कहीं आना जाना थोड़ी है। अरे ये तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, हमारी तैयारी है क्या? दुनिया क्या करती है मित्रों माताओं, अलग रखो, भगत को क्या करना है इसका विचार किया करो। एक बार एक परिवार के उत्सव में मैं चला गया तो बोले महाराज फल मीठा तो ले लेंगे। हमने कहा क्यों, भोजन नहीं करेंगे? बोले भोजन में तो लहसुन प्याज पड़ा है। हमने कहा तो ओढ़ो बिछाओ खाओ। अरे भाई उत्सव में तो कम से कम भोग लगाने लायक व्यवस्था रखो। उत्सवों में उत्पात को बचाइए, उत्सवों में जरा भगवान के आश्रम में रहने का अभ्यास करिए। अमरता प्रदान नहीं करेंगे सब, असन शुद्ध है तभी व्यसन शुद्ध होगा। उत्सवों को संहारिए, भगत जी का उत्सव भगत जी जैसा ही लगना चाहिए, तभी वो बिना बुलाए आएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।